दूरदर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से बनती है, हम और आप तो सिर्फ एक कठपुतली है। और बात अगर शादी विवाह की हो तो शादी विवाह में कई बार ऐसा देखा जाता है कि परिवार वाले शादी तय करते हैं, या कहीं पर लव मैरिज भी होते हुए आपने देखा होगा। न्यूज़ फॉर नेशन ने भी कई सारी अनोखी कहानियां आपको शादी से जुड़ी हुई सुनाई है, बताई है और दिखाई भी है। लेकिन आज एक अद्भुत प्रेम कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें महज 5 दिनों में प्यार होता है और फिर शादी भी होती है। लेकिन इस प्यार की शुरुआत अस्पताल से हुई है। अब अस्पताल से इसलिए क्योंकि जो लड़की है उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी और जो डॉक्टर साहब थे वो उनकी माँ का इलाज कर रहे थे। लेकिन इलाज करने के दौरान ही डॉक्टर साहब को उस लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद अस्पताल से ये प्यार का रिश्ता मंदिर तक पहुँच जाता है और मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी करवाई जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो जोड़ी है वो कितनी खूबसूरत दिख रही है। लड़की खूबसूरत है, जो लड़का है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इन दोनों की धूमधाम से शादी हुई है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर बिहार के किस ज़िले की ये खबर है और आखिर क्या कुछ हुआ कि इन दोनों की प्रेम कहानी शादी तक आ पहुंची। दरअसल हाजीपुर के सदर अस्पताल में काम करने वाला एक स्वास्थ्यकर्मी मां का इलाज कराने पहुंची एक युवती पर अपना दिल हार बैठा। इतना ही नहीं, प्रेम में पागल इस कर्मी ने 5 दिन में ही अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचा दिया और शहर के पतालेश्वर मंदिर में परिवार वालों की मौजूदगी में दहेज मुक्त शादी भी रचाई। दरअसल प्रीति सिंह अपनी मां को इलाज के लिए लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां तैनात स्वास्थ्यकर्मी मनिंदर कुमार सिंह से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात कब प्यार में बदल गई ये दोनों को पता ही नहीं चला। और फिर क्या था, लड़के ने बगैर देर किए और बगैर किसी दान दहेज के शादी का प्रस्ताव रख दिया। चूंकि लड़की के पिता नहीं है, लिहाजा लड़की ने मां का आदेश लेने की बात कही, जिस पर लड़के ने दहेज मुक्त शादी का प्रस्ताव लड़की की मां के सामने रखा, जिसे लड़की की मां ने स्वीकार कर लिया। इस प्रेम प्रसंग में 5 दिनों का प्यार 7वें दिन ही शादी के पवित्र बंधन में बदल गया और दोनों परिवार की मौजूदगी में शहर के पतालेश्वर मंदिर में धूमधाम से दोनों की शादी करा दी गई। इस शादी में स्वास्थ्यकर्मी बाराती बन नाचते दिखे, तो वहीं स्वास्थ्यकर्मी मनिंदर और प्रीति भी एक दूसरे के प्यार को पाकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितने खुश हैं। किनको लेके आए? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी को भर्ती कर दी, इलाज चालू हुआ। यही बस ये क्या कहते हैं, 7-8 दिन बाद मैंने माँ से ये बात की है कि आप भी मम्मी हमारी थोड़ी मैंने किसी से घूम मिल जाती है जल्दी, तो बात करने लगी तो फिर मम्मी को बोली कि आप शादी कीजिएगा। तो मैंने हाँ शादी तो करना है, पर हम मेरा ये तबीयत खराब है, इसके बाद करेंगे। फिर हम ये बोले कि शादी भी करना है, मैंने से बात करना चालू हो गया। उसके बाद मम्मी का भी कंडीशन सही नहीं है, तभी हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमारे अपना पापा नहीं है, हमारे सिर्फ मम्मी है, इसकी वजह से हम तैयार हो गए। बेटा में प्यार की बात हुई? हाँ हुई, मम्मी से अपनी मम्मी के बाद, मैंने मम्मी राजी हुई तब। बीच में प्यार की बातें होती थी दोनों आदमी में? नहीं, राजी खुशी से शादी हुआ? हाँ।
प्यार से हुआ या अथी से? हाँ दोनों, अरेंज लव दोनों। अरेंज लव कौन किया? प्रपोज कौन किया था पहले आपकी? हैं एक ही आप राजी हो गई थी? नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। 5 दिन के अंदर। अगर हम करें तो ये शादी बिना किसी दान दहेज की हुई है। जो लड़का है वो लड़की की माँ के सामने बिना दहेज शादी का प्रस्ताव रखता है और लड़की की माँ भी हामी भर देती है, जिसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। तो प्यार मोहब्बत हमारे बस में नहीं है, कब कौन किस को दिल दे बैठे ये कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि कुछ ऐसी ही कहानी एक बार फिर से बिहार से देखने को मिली है, जहां पे एक स्वास्थ्यकर्मी इलाज अपनी मां का इलाज करवाने आई लड़की पर ही अपना दिल हार बैठता है, जिसके बाद इन दोनों की ही धूमधाम से शादी करवाई जाती है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।